हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपना कंटिन्यू टॉपिक। इससे पहले हमने क्या देखा था, इससे पहले वाले टॉपिक में हमने डिस्कस किए थे ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड की संरचना। नाइट्रोजन के ऑक्साइड की संरचना में तीन, चार या पांच मैंने बनवा दी थी। उसके बाद एक तो तुम्हें करने के लिए दी थी, तो उनको खुद से ट्राई करना। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, HNO3 की बात करते हैं। HNO3 का नाम क्या है, नाइट्रिक अम्ल, ऐसे याद रखो, नाइट्रोजन से बनने वाला नाइट्रिक अम्ल, इसको शोरे का अम्ल भी बोलते हैं। अब हमें क्या करना है, नाइट्रिक अम्ल को फॉर्म करना है, बनाना है, तो कौन सी विधि, उद्योगों में नाइट्रिक अम्ल को किससे बनाते हैं, औद्योगिक निर्माण, तो किस साइंटिस्ट ने बनाया था, ओस्टवाल ने, तो इसलिए नाम क्या हो गया, ओस्टवाल प्रक्रम। ठीक है, अब ओस्टवाल प्रक्रम कैसे बने, किस तरह से बनाएंगे, तो तुम्हें क्या करना है, तीन स्टेप याद रखने हैं। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, सबसे पहले HNO3 को बनाने के लिए हम क्या बनाएंगे, NO का निर्माण। उसके बाद स्टेप नंबर सेकंड में क्या बनाएंगे, NO2 का निर्माण करेंगे। और फिर स्टेप थर्ड में क्या बनाएंगे, HNO3। ठीक है, नाइट्रिक अम्ल को उद्योगों में बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, NO को बनाओ, NO के बाद स्टेप सेकंड में क्या करोगे, NO2 को बनाओ, और फिर उसके बाद लास्ट में क्या बनाओगे, HNO3। ठीक है, अब देखो सबसे पहले NO बनाते हैं, तो NO का निर्माण कैसे हुआ, NO को बनाने के लिए क्या करेंगे, अमोनिया लिया, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3 गैस होती है, जी लिखा हुआ है, अमोनिया गैस। इसके बाद अमोनिया गैस जो है उसका हमने क्या करवाया, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मतलब किससे क्रिया होगी, O2 वायु से क्रिया होगी, अमोनिया का ऑक्सीकरण करवाया, वायु से क्रिया कराई। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, तो क्या होगा, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ेगी, यहाँ पर कैसे, दोनों को अलग अलग कर दो, N के पास भी क्या आ गए, ऑक्सीजन, N और O क्या बन जाएगा यहाँ पर, NO, और इस H के पास भी क्या आ गई, ऑक्सीजन आ गई, N अमोनिया है ना, NH3, इसको अलग अलग कर दो, N अलग, H अलग, अब N के पास भी O दे दो, NO, और जब H के पास O आएगी तो क्या बन जाएगा, H2, NO, और ये क्या बन गया, H2। अपना फर्स्ट स्टेप क्या था, NO का निर्माण, तो NO बन गया हमारे पास, इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है प्लेटिनम, तो प्लेटिनम क्या है, प्लेटिनम और कौन है, रोडियम, RH, ये दोनों क्या है, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या करेंगे, जल्दी जल्दी अभिक्रिया कराएंगे, NO ज़्यादा बनेगा, 500 केल्विन ताप, 9 बार, ये क्या दाब है, ताप और दाब याद ही रखने। फिर इसके बाद NO2 कैसे बनेगा, देखो क्या किया हमने, NO, इस NO की क्रिया किससे करा दी, O2 से करा दी, NO प्लस O2, और ये क्या बन जाएगा, NO2, इसमें तो कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है, NO बन चुका है, इस NO की क्रिया दोबारा किससे करा दी, O2 से करा दी, और ये क्या बन जाएगा, NO2, इसको बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस हो गया, NO क्या है, गैस, O2 भी क्या है, गैस, और NO2 भी क्या होगी, ये सेकेंड स्टेप तो बहुत सिंपल है। अब बात करते हैं थर्ड स्टेप में क्या है, हमें क्या बनाना है, HNO3, तो HNO3 को बनाने के लिए क्या करेंगे, जो भी NO2 बना है उस NO2 को हम कर देंगे तनु, डाइल्यूट, तनु मतलब क्या होता है, तनुकरण का मतलब होता है कि उसको हम कस में मिला देंगे, पानी में। तो अब जो NO2 बना है उसकी क्रिया किससे होगी, जल से होगी, देखो ये लिखा हुआ है NO2, और NO2 के साथ हमने क्या मिला दिया, H2O, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, डायरेक्ट याद रखना, प्लस और क्या बनता है, NO, वापिस से NO बन गया, और ये NO क्या करेगा, वापिस से काम आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, उद्योगों में जो हम क्या करते हैं, कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो तब हम बनाते हैं कि हमारा काम होता रहे, HNO3 चाहिए बनता रहे, और साइड में ये बन रहा है NO, तो इससे क्या हो जाएगा, बार बार हमें अमोनिया लेना नहीं पड़ेगा, NO बन रहा है, NO काम आता रहेगा, तो HNO3 क्या बनेगा, ज़्यादा, इसको बैलेंस करें तो यहाँ पे तीन नाइट्रोजन, तीन है यहाँ पर, हाइड्रोजन 6, ऑक्सीजन 6 है, और एक 7 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2, ठीक है, बैलेंस है ये, NO2 H2। ठीक है, तो ये क्या हो गया, HNO3 निर्माण की कौन सी विधि, औद्योगिक विधि। डायरेक्ट स्टेप याद रखने और डायरेक्ट आंसर कर देना, इसका हो जाएगा। नेक्स्ट लिखते हैं HNO3 की प्रकृति की बात करते हैं, बहुत सिंपल है, HNO3 को हमने कहाँ मिला दिया, H2O में। प्रकृति मतलब हमें ये देखना है कि ये अम्ल होता है कि क्षार होता है, तो इसका नाम ही क्या है,
नाइट्रोजन से बनने वाला अम्ल, नाम क्या हो गया इसका, नाइट्रिक अम्ल, इसको हमने कहाँ मिला दिया, जल में। जैसे ही जल में मिलाएंगे यानी कि जलीय विलयन में, क्या करेगा ये H प्लस और NO3 क्या है माइनस, और इस ऑक्सीजन के पास क्या है लोन पेयर, तो ये वाला H किसके पास चला जाएगा, ऑक्सीजन के पास। ये वाला H है ऑक्सीजन के पास, क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या क्या बनेगा देखो, यहाँ से क्या रह गया NO3 प्लस गया NaCl है, NaCl में से प्लस चला गया तो क्या बचेगा माइनस, एच प्लस गया तो क्या रहेगा माइनस H2O। अब H2O में क्या हुआ, पहले से ही कितने ऑक्सीजन थे दो, एक और आ गया तो अब कितने हो गए तीन हो गए, ठीक है, पहले से ही दो थी अब एक और आ गया तो कितने हो गए तीन, और ऑक्सीजन H प्लस वाला आया ना तो इसके पास कौन सा आवेश आएगा प्लस, तो HNO3 की प्रकृति कौन सी, क्योंकि इसने H प्लस दिया है और H प्लस दिया है तो प्रकृति कौन सी हो जाएगी इसकी, अम्लीय। इसके बाद हम लिखेंगे HNO3 की रासायनिक अभिक्रिया, इसका मतलब ये है HNO3 कैसे कैसे अभिक्रिया करता है। तो जब रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करोगे क्या होगा, सबसे पहले बात करते हैं, जैसे HNO3 लिखा और इस HNO3 की अभिक्रिया मैंने किससे कराई, कार्बन से, तो ये HNO3 क्या होता है, प्रबल होता है। इस प्रबल का मतलब क्या हो गया, इस प्रबल का मतलब ये हो गया कि HNO3 अपना ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है ना इसके पास, ये ऑक्सीजन इसको किसको दे देगा, कार्बन को दे देगा, ठीक है। और जैसे ही कार्बन के पास ऑक्सीजन गया तो ये क्या बन जाएगा, CO2। बैलेंस हम बाद में करेंगे, सिर्फ टॉपिक समझो अभी, HNO3 क्या करेगा, अपना ऑक्सीजन किसको दे देगा, कार्बन को, दे दिया इसने कार्बन को, कार्बन किस में बदल गया CO2 में, इतना हो गया। अब बताओ C से CO2, पहले ये कार्बन था और अब क्या बन गया, CO2 बन गया, तो C से CO2 ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, क्या बोलते हैं उसे, ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ठीक है। इसके पास ऑक्सीजन आ गई, ऑक्सीकरण हो गया, CO2 बन गया, लेकिन ये बताओ ऑक्सीजन दी किसने, इस कार्बन को ऑक्सीजन दी किसने है, किसने दी है, HNO3 ने दी है ऑक्सीजन। तो जब HNO3 ने ऑक्सीजन दी है तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इसका ऑक्सीकरण करने वाला, इसको ऑक्सीजन देने वाला कौन है, HNO3। तो ये क्या हो गया, HNO3 हो गया ऑक्सीकारक। इसे नोट मत करना, केवल समझो इसको, HNO3 क्या है यहाँ पर, ऑक्सीकारक। तो जब हम पढ़ेंगे ना HNO3 की रासायनिक अभिक्रिया, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है, तो क्या देखेंगे कि HNO3 अपनी ऑक्सीजन किसी दूसरे को दे देगा और दूसरे को देगा, उसका ऑक्सीकरण कर देगा, और खुद की प्रकृति कैसी हो जाएगी, कौन सा गुण दिखाएगा, ऑक्सीकारक, ठीक है। तो इसको तो तुम्हें लिखना नहीं है, एक एक करके हम एग्जाम्पल देखेंगे। और अगर मैं बात करूं कि HNO3 किससे अभिक्रिया नहीं करता, प्रबल तो है लेकिन फिर भी क्या करता है, ये दो तीन धातुएं हैं उनसे क्रिया नहीं करता, किस किस से क्रिया नहीं करता, एक तो सोना यानी कि गोल्ड, और इसका प्रतीक क्या होता है, Au, दूसरा कौन सा होगा, प्लेटिनम, Pt। तो गोल्ड, सोना और Pt, प्लेटिनम, इन धातुओं से कौन क्रिया नहीं करता, HNO3, ठीक है। ऐसा नहीं है कि HNO3 प्रबल है तो सबसे ही क्रिया कर लेगा, तो गोल्ड और प्लेटिनम इन दोनों धातुओं से HNO3 क्रिया नहीं करता। अब हम पढ़ते हैं HNO3 की रासायनिक अभिक्रियाएं, हेडिंग तो है ही अपनी, इसमें हम क्या लिख देंगे कि HNO3 ऑक्सीकारक गुण दर्शाता है, और फिर लिखेंगे नेक्स्ट, देखो ये लिखा हुआ है HNO3 का ऑक्सीकारक गुण। ऑक्सीकारक गुण में हमें क्या करना है, दोनों से अभिक्रिया करवानी है, एक तो धातुओं से और दूसरी किससे, अधातुओं से, इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है। तो हमने जो पहले लिखा है एग्जाम्पल वो किसके हैं, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, HNO3 ये सब लिखा हुआ है, इनकी अभिक्रिया किससे होनी है, कार्बन, फॉस्फोरस, सल्फर और आयोडीन। कार्बन क्या होती है, अधातु, फॉस्फोरस क्या है, अधातु, इसका मतलब ये जो सारी हेडिंग है उनमें अभिक्रिया किससे हो रही है, अधातुओं से। तो पहले ये ईजी है इसलिए इसको करवाया। अब देखो एक एक रिएक्शन को याद करना इजी नहीं होगा, तो इसकी ट्रिक क्या देखते हैं, सिंपल है, जब भी अधातुओं की अभिक्रिया HNO3 से होगी तो हमें ये पता है
कि ये अपना ऑक्सीजन किसको दे देगा, कार्बन को, यहाँ से आयोडीन को, ऐसे ही सब में क्या देगा, ऑक्सीजन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी सारी ऑक्सीजन दे देगा, बस ये है कि ऑक्सीजन दे देगा, अब वो कितनी भी दे सकता है लेकिन सारी दे, ऐसा नहीं होगा। तो क्या बनेगा, देखो सी से क्या बनेगा, CO2, ठीक है, ऑक्सीजन दे दी, CO2 बन गया। अब यहाँ से क्या रहेगा, बैलेंस हम बाद में करेंगे, यहाँ से क्या रहेगा, यहाँ से रह जाएगा NO2 और प्लस H2, ठीक है, HNO3, CO2 बना और क्या बनेगा, NO2 और H2। एक अभिक्रिया हो गई, देखो दोबारा से, HNO3 हमें पता है ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक है तो इसे क्या दे देगा, ऑक्सीजन, मिल गई इसे ऑक्सीजन, CO2 बन गया, बाकी ये रह गया NO2 और H2। अब क्या करोगे, देखो ये सारे धातु है ना, सब में ये कर दो, क्या कर दोगे, सब में NO2 प्लस H2, NO2 प्लस H2, हो गया इतना। अब क्या रह गया, देखो यहाँ पर इन सब में फॉस्फोरस का सिंबल क्या होता है, ये भी ध्यान रखो, P4। जैसे मैं बोलूँ ऑक्सीजन लिखो तो ऑक्सीजन में क्या लिखते हैं, O2 लिखते हैं ना, ऐसे ही फॉस्फोरस क्या होता है, P4 होता है, सल्फर क्या होता है, S8 होता है, और आयोडीन क्या होता है, I2 होता है, ठीक है, इसको याद रखना, सल्फर S8 होता है, फॉस्फोरस P4 होता है, और आयोडीन क्या होता है, I2। अब क्या रह गया, एक एक उत्पाद रह गया, देखो कैसे याद रखोगे, फॉस्फोरस से बनने वाला अम्ल क्या होगा, फॉस्फोरिक अम्ल बना लो, फॉस्फोरस से बनने वाला अम्ल कौन सा है, फॉस्फोरिक अम्ल। सल्फर से बनने वाला अम्ल कौन सा है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, सिंपल है, डायरेक्ट याद करना है, फॉस्फोरस से बनने वाला अम्ल फॉस्फोरिक अम्ल, सल्फर से बनने वाला सल्फ्यूरिक अम्ल, और आयोडीन से बनने वाला आयोडिक अम्ल। आप देखो एक बात सुनो, बैलेंस करेंगे अभी, लेकिन एक बात सुनो, फॉस्फोरस से क्या बना, फॉस्फोरिक, सल्फर से सल्फ्यूरिक अम्ल बना है, और आयोडीन से आयोडिक अम्ल बना है, तो कार्बन से CO2 क्यों बना, कार्बन से कार्बोनिक अम्ल क्यों नहीं बना, सोचो, क्योंकि बनता तो कार्बोनिक अम्ल है, और कार्बोनिक अम्ल क्या होता है, ये होता है कार्बोनिक अम्ल एच टू सी ओ थ्री, ठीक है, कार्बोनिक अम्ल क्या होता है, एच टू सी ओ थ्री, लेकिन ये एच टू सी ओ थ्री बनता तो है, लेकिन ये क्या होता है, अस्थायी होता है, और अस्थायी होने के कारण टूट जाता है, कैसे टूटेगा, इसको तोड़ो, एच टू और ओ क्या बन गया, एच टू और सी ओ थ्री से क्या बन गया, सी ओ टू, तो ये हमने क्या लिखा है यहाँ पर, सी ओ, ठीक है, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर स्थायी उत्पाद सी ओ टू। अब क्या रह गया, इसको बैलेंस करते हैं, तो बैलेंसिंग तुम्हें डायरेक्ट याद रखनी है, इसको तुम नोट कर लेना, अभी बैलेंस करते हैं इसे, देखो ये बैलेंसिंग हो रही है यहाँ पर, एच कार्बन के साथ एच लिखा हुआ है, फॉस्फोरस के साथ पी फोर के साथ 20, 20 एच एन ओ थ्री, सल्फर के साथ 48, और आयोडीन के साथ कितना लिखा हुआ है, 10। अब क्या करते हैं, देखो इसके बाद जो उत्पाद बने हुए हैं उसको हम अपने आप बैलेंस कर सकते हैं, कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर पी फोर है ना, तो पी फोर के लिए तुम यहाँ पर क्या लिखोगे, पी एक ही है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, फोर, ठीक है, इसके बाद सल्फर कितने यहाँ पर, आठ है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, एक, ये हो गया, आयोडीन कितने यहाँ पर, दो, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, हो गया, इनको याद रख लो बस। इसके बाद क्या करना है, NO2 देख लो, यहाँ पर कितने NO2 है, N है यहाँ पर फोर, N फोर है ना यहाँ पर, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, फोर आ जाएगा, यहाँ देखो 20N, 20 N है, तो 20 के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 20 आ जाएगा, यहाँ पे इसमें देखो 48N है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा, ऐसे नीचे वाले में क्या हो जाएगा, 10 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10। अब क्या रहेगा, एच टू, ऐसे ही इसको बैलेंस कर लेंगे, एच टू को बैलेंस कर लेंगे, ठीक है, ये बैलेंस कर दिया, इसको एक बार तुम देख लेना और नोट कर लेना, इम्पॉर्टेंट है, आता भी एग्ज़ाम में, क्या लिखा है हमने, अधातुओं के साथ अभिक्रिया, और अब क्या पढ़ोगे, नाइट्रिक अम्ल एच एन ओ थ्री की धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो नेक्स्ट टॉपिक देते हैं, देखते हैं अपन धातुओं से, और धातु दो ही करनी है, एक कॉपर और एक जिंक, दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, आती हैं एग्ज़ाम में। देखो नेक्स्ट लिखते हैं, धातुओं से अभिक्रिया में कॉपर और जिंक लिखा है, कॉपर एंड जिंक दोनों क्या है, धातु है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि धातु है कॉपर और जिंक। अब क्या किया, कॉपर की और जिंक की दोनों धातुओं की अभिक्रिया किससे कराई है, एच एन ओ थ्री, एच एन ओ थ्री क्या है, कौन सी अवस्था में लिया है, सांद्र, तो सांद्र अभिक्रिया, अब सांद्र से अभिक्रिया कराने पर क्या होगा, देखो दो उत्पाद हमें पता है कि फिक्स बनने हैं,
एक बार तुम अधातुओं वाले में देखो, अधातु वाले में दो उत्पाद कॉमन बने थे। देखो कौन से बने थे, एक तो बना था NO2 और दूसरा H2O। NO2 और H2O सभी में ही बन रहे थे, तो यहाँ पर भी बनेंगे। क्या क्या बनेंगे, NO2 और H2O। ठीक है, ये दो तो बन गए। अब क्या रह गया, कॉपर और जिंक रह गया। तो देखो क्या हुआ, कॉपर की अभिक्रिया HNO3 से क्या बनेगा, कॉपर नाइट्रेट, और जिंक की अभिक्रिया HNO3 से कराओगे तो जिंक नाइट्रेट। क्या बनेगा, देखो कॉपर की अभिक्रिया ये बनेगा कॉपर नाइट्रेट, और जिंक की कराओगे तो क्या बनेगा, जिंक नाइट्रेट। बस सिंपल सही है, इसको याद रख लेना। कॉपर की नाइट्रिक अम्ल से नाइट्रेट, जिंक की नाइट्रिक अम्ल से जिंक नाइट्रेट। इसके बाद क्या रह गया, बैलेंस करना है, बैलेंस कर ही लेंगे। देखो बैलेंस कैसे करोगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4 नाइट्रोजन, यहाँ पे भी क्या है, 4 नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन यहाँ आ चुके हैं, यहाँ भी दो नाइट्रोजन आ गए, तो कितने रह गए, दो रह गए ना, तो यहाँ पे कितना आएगा 2, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 2। और क्या रह गया, हाइड्रोजन देख लो, कितना हाइड्रोजन है यहाँ पे, 4 हाइड्रोजन है, यहाँ है नहीं, यहाँ नहीं है, तो यहाँ पे हमें 4 हाइड्रोजन करने, तो क्या करें, 2H2, और यहाँ पर भी 2H2। ठीक है, ये बैलेंस हो गया रिएक्शन, किसके साथ हो गई, धातु के साथ, कॉपर और जिंक। अब कॉपर और जिंक के साथ HNO3 दोबारा अभिक्रिया करेगा, लेकिन इस बार क्या होगा, इस बार जो HNO3 होगा वो कौन सा होगा, तनु होगा। तनु में क्या अंतर होता है, देखो इसको नोट कर लेना, अगर तुम्हारा कुछ रह जाता है तो उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, फिर नोट कर लेना। अच्छा अब देखो तनु क्या होता है, तनु मतलब होता है जिसमें पानी की मात्रा क्या हो, ज़्यादा। देखो इसको ऐसे समझते हैं, जैसे यहाँ पे लिया मैंने 2 पाथ लिए, इसमें क्या है यहाँ पर H2, इसमें भी क्या है यहाँ पर H2, इसमें मैंने क्या मिला दिया, NaCl नमक मिला दिया, इसमें भी क्या मिला दिया, NaCl नमक मिलाया। अब क्या हुआ देखो, यहाँ पर इसमें तो मैंने मिलाया है 50 ग्राम NaCl या 5 ग्राम करते, इसमें मिलाया 5 ग्राम, और ये क्या है 1 लीटर H2, इसमें क्या कर दिया 50 ग्राम NaCl मिला दिया, और H2 उतना ही है 1 लीटर। तो अब तुम बताओ यहाँ पर किस में नमक ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा है नमक NaCl में, जिसमें नमक ज़्यादा है तो वो कैसा सॉल्यूशन होगा, वो विलयन कैसा होगा, गाढ़ा होगा ना, जैसे पानी में चीनी मिलाओ, एक में चीनी कम और एक में चीनी क्या मिला दी, ज़्यादा। अगर ज़्यादा चीनी मिला दोगे तो वो कैसा हो जाएगा सॉल्यूशन, विलयन, गाढ़ा हो जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, सांद्र। तो ये वाला विलयन कैसा है, सांद्र, इसको हम क्या बोलते हैं, तनु। ठीक है, तो ऐसे ही देखो यहाँ पर HNO3 क्या हो जाएगा, सांद्र, और दूसरा कौन सा होगा, तनु। ऐसे बोल सकते हो कि तनु में पानी क्या होता है, ज़्यादा, और जो NaCl होता है वो बहुत क्या होता है, कम। अब हम HNO3 की बात कर रहे हैं तो HNO3 और कौन है यहाँ पर, H2। H2O क्या होगा, ज़्यादा होगा, बहुत बहुत ज़्यादा होता है, और नाइट्रिक हमें जो दूसरा घटक मिला रहा है वो क्या होता है, कम। तो ऐसे विलयन को हम क्या बोलते हैं, तनु बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हमने किससे क्रिया कराई है, सांद्र से, और अब किससे कराएंगे, तनु से। तो अब होगी कॉपर और जिंक की अभिक्रिया तनु HNO3 से। देखो सामने अभिक्रिया लिखी हुई है, सिर्फ देखो पहले वाली अभिक्रिया में और इस वाली अभिक्रिया में क्या अंतर है, पहले वाले में भी HNO3 था, अभी भी HNO3 है, लेकिन इस बार HNO3 कैसा है, तनु है। ठीक है, अच्छा एक तो बैलेंसिंग का अंतर आएगा, दूसरी बात वहाँ पर दो उत्पाद कॉमन थे। देखो देखो एक बार देखो, अपने पेज टर्न करो, जब तुमने अभिक्रिया करवाई है किससे, सांद्र HNO3 से, इससे पहले वाले में हमने किससे कराई थी, सांद्र से कराई थी, तो दो उत्पाद कॉमन थे। कौन से दो उत्पाद थे, एक तो क्या बना था NO2, और प्लस क्या बना था H2O। ऊपर भी कॉपर वाले में भी जिंक वाले में भी दो उत्पाद कॉमन थे ना, तो यहाँ भी क्या होगा, तनु वाले में दो उत्पाद क्या होंगे, कॉमन। कॉमन मतलब ये कॉपर है तो कॉपर नाइट्रेट, जिंक है तो जिंक नाइट्रेट, H2O और H2O। सिर्फ ये वाला तुम्हें याद रखना है, बदल जाएगा। ठीक है, इसको तुम स्टार मार करके रखना, ये बदल जाएगा, क्या हो जाएगा इस बार, ऊपर वाले में आएगा NO, याद रखना है तुम्हें, तनु वाले केस में, और HNO3 में क्या आएगा, N2। इसको स्टार मार करके रखो, क्योंकि ये कुछ अलग है, गैस बनती है दोनों, लेकिन दोनों क्या है, अलग। अच्छा इसको हमने पढ़ रखा है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, एक है ना मोनोऑक्साइड, इसी का नाम क्या होता है, नाइट्रेट ऑक्साइड, और इसका नाम हमने क्या पढ़ा था, कितने नाइट्रोजन है, 2, तो डाई नाइट्रोजन, और ये क्या था, ऑक्साइड। इसके बाद रह गया बैलेंस, बैलेंस कर लेते हैं, 3 कॉपर
तो यहाँ पे भी कितना आएगा तीन, यहाँ चार जाएंगे तो यहाँ पे कितना आएगा चार। इसके बाद देखो नाइट्रोजन, यहाँ कितने नाइट्रोजन है, कितने नाइट्रोजन है, आठ है ना नाइट्रोजन, तो आठ करो थ्री टू जै सिक्स, छः नाइट्रोजन, यहाँ कितने हो गए दो। इसके बाद यहाँ देखो दस नाइट्रोजन है, तो चार दूनी आठ और दो दस, ये तो बैलेंस है। एच टू ओ को जब तुम बैलेंस करोगे तो यहाँ आ जाएगा, कर लेना इसको बैलेंस, यहाँ आ जाएगा फोर एच टू और यहाँ कितना आ जाएगा फाइव एच टू। ठीक है, तो ये हो गया अपना कौन सा नाइट्रिक अम्ल कंप्लीट हो गया। देखो हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे थे पंद्रवा वर्ग अपना, पी ब्लॉक है, थोड़ा लेंदी चैप्टर है। पंद्रह वर्ग में यहाँ पर हमने क्या देखा, नाइट्रोजन भी है, फॉस्फोरस भी है, ऐसे तो है पंद्रवा वर्ग। तो अभी अपना कौन सा टॉपिक चल रहा है, नाइट्रोजन। अभी तो क्या आना और है, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस पढ़ने के बाद कौन सा वर्ग कम्प्लीट हो जाएगा, पंद्रवा। फॉस्फोरस इतना लेंदी नहीं है, एक दिन का लेक्चर है, ठीक है, एक दिन में ये कम्प्लीट हो जाएगा फॉस्फोरस वाला। और पंद्रवा वर्ग आज कम्प्लीट हो जाएगा, इसका मतलब पंद्रवा वर्ग नहीं, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन आज कम्प्लीट हो जाएगा, फॉस्फोरस वाला कल के लेक्चर में कम्प्लीट हो जाएगा। तो पंद्रवा वर्ग अपना कल कम्प्लीट हो जाएगा। अब नाइट्रोजन वाले में सिर्फ एक लास्ट टॉपिक रह गया है, कौन सा, भूरा वलय परीक्षण, ब्राउन रिंग टेस्ट, इंपॉर्टेंट है इसको भी। देखो पंद्रहवें वर्ग में नाइट्रोजन फॉस्फोरस दो पढ़ने हैं, तो नाइट्रोजन का लास्ट टॉपिक देखो भूरा वलय परीक्षण। भूरा वलय परीक्षण का एक नाम और क्या है, इसका नाम होता है ब्राउन रिंग टेस्ट। ठीक है, अब ये जो परीक्षण होता है या टेस्ट जो होता है वो किसके लिए करते हैं, वो करते हैं अगर जैसे यहाँ पर क्या किया, ये कोई कांच की बनी हुई टेस्ट ट्यूब है, परख नली बोलते हैं इसको, इसमें हमने क्या किया, पदार्थ ले लिया, कोई रसायन ले लिया। अब हमें इसमें पता लगाना है कि इसमें क्या है, नाइट्रेट है या फिर नहीं है, इसमें पता लगाना है। तो नाइट्रेट आयन का पता लगाने के लिए हम कौन सा परीक्षण करते हैं, भूरा वलय परीक्षण। ठीक है, तो ये कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी क्वेश्चन आता रहता है कि ब्राउन रिंग टेस्ट, भूरा वलय परीक्षण किसके लिए करते हैं, नाइट्रेट आयन का पता लगाने के लिए। अब कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले क्या करते हैं, ये एक कांच की बनी हुई परख नली ली, जिसमें हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसमें हम यहाँ पर क्या मिलाएंगे, तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर इसमें हमने यहाँ लिया सबसे पहले एक यौगिक लेंगे, कौन सा, FeSO4। जरूरी नहीं है FeSO4 लेंगे, Fe+2 वाला कोई भी यौगिक ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें क्या मिलाओगे, हमें किसको चेक करना है, नाइट्रेट को। तो ऐसा कोई यौगिक जिसमें क्या उपस्थित हो, नाइट्रेट हो, तभी तो पता लगेगा कि नाइट्रेट है या नहीं है। तो हमें तो चेक करना है ना, तो क्या करा, FeSO4 मिलाया। FeSO4 के स्थान पर हम क्या मिला सकते हैं, ऐसा कोई भी यौगिक जिसमें Fe हो, कौन सी अवस्था वाला हो, प्लस टू वाला। तो अभी हम लिखते हैं FeSO4 और NO3- मिलाया। अब क्या करते हैं, इस परख नली की दीवार के सहारे यानी यहाँ से ऐसे टच करते हुए, बीच में से नहीं मिलाएंगे, सपोर्ट दीवार का होगा, और क्या मिलाएंगे, अम्ल मिलाएंगे। ठीक है, वैसे H2SO4 मिलाते हैं, और जैसे ही अम्ल मिलाएंगे तो यहाँ पर सतह पर, विलयन की सतह पर ये वलय बन जाती है। कौन से रंग की वलय बनती है, ये रेड लग रही है, ब्राउन कलर की क्या बन जाती है, वलय बन जाती है। और ब्राउन कलर की रिंग का बनना किसको बताता है, भूरा वलय परीक्षण, नाइट्रेट आयन को। क्या करेंगे, देखो बस तीन चीज़ चाहिए, कौन सी, FeSO4 और दूसरा क्या चाहिए, नाइट्रेट। और फिर हम ऊपर से परख नली की दीवार के सहारे क्या मिलाएंगे, H2SO4, और क्या बन जाएगा, भूरे रंग की वलय बनेगी। अभिक्रिया कैसे होती है, देखो नाइट्रेट हमने मिलाया है, FeSO4 से कौन सा आयन काम में आ जाएगा, Fe+2 काम में आएगा। नाइट्रेट हमने मिलाया है FeSO4 से, Fe+2 काम में आएगा। अम्लीय विलयन है, अम्ल है, अम्ल क्या देगा, H+ काम में आएगा। इन सब की अभिक्रिया से क्या बन जाएगा, देखो NO3 मैंने तुम्हें क्या बताया था, ऑक्सीकारक, दूसरे को अपनी क्या देगा, ऑक्सीजन। तो इसने अपनी ऑक्सीजन किसको दे दी, H को दे दी, क्या बन गया, H2O। बैलेंस कर लेंगे, अब NO3 खुद क्या बन जाता है, NO। ठीक है, और पूरी अभिक्रिया के दौरान Fe+2 किसमें बदल गया, Fe+3 में। और क्या होगा, अभी पूरी अभिक्रिया नहीं हुई, ये जो Fe+2 वाला है विलयन में तो रहेगा ही, ये किससे क्रिया कर लेता है, जल से, ये बनेगा Fe+2 ने किससे क्रिया करी, जल से। और ये जो NO बना हुआ है वो दोबारा इसके पास आएगा क्रिया करने के लिए, और अब क्या होगा, 6 H2O में से 5 तो रहेंगे इसके पास। ठीक है, और एक कौन आ गया यहाँ पर, NO, ये 5 हो गए यहाँ पर, और आवेश कितना है, +2। ठीक है, तो इसके बनने के कारण कौन सी रिंग बनती है, भूरा वलय।
ठीक है, तुम्हें क्या याद रखना है, FeSO4 मिलाया, नाइट्रेट मिलाया, ऊपर से क्या मिलाया, अम्ल मिलाया, भूरे रंग की क्या बन गई, बलय। अभिक्रिया कैसे हुई, अभिक्रिया ऐसे हुई, नाइट्रेट हमने मिलाया ही है, FeSO4 में से Fe+2 काम में आया, अम्लीय विलयन से H+ काम में आ गया, इनकी आपस में अभिक्रिया हुई, हमें पता है NO3 क्या देता है, ऑक्सीजन, इसको ऑक्सीजन दे दी, क्या बन गया, H2O, Fe+2 से Fe+3 बन गया, और फिर नीचे वाली अभिक्रिया, और ये क्या बन जाएगा, भूरे रंग की बलय। इस वाले जो अभिक्रियाओं को क्या करना है तुम्हें, ऐसे समझ लो डायरेक्ट याद रखना है, थोड़ा बहुत समझ लो, बाकी तुम्हें क्या करना है, इनको याद ही रखना है। तो ये अपना नाइट्रोजन पूरा कंप्लीट हो गया, कल वाली वीडियो में फॉस्फोरस पूरा कंप्लीट हो जाएगा, 15वां वर्ग अपना कल कंप्लीट हो जाएगा।